अरे गांव वालों बाहर आओ, कहाँ हो? हेलो, कोई है? इतना सन्नाटा क्यों है? हेलो, अरे अरे पागली हो गई हो क्या जो आते इतना चिल्लाना शुरू कर दिया? दिमाग चल गया तुम्हारा? अम्मी, दिमाग तो आपका चल जाएगा जब आपको पता चलेगा मेरे कारनामे के बारे में। क्या क्या करके आई है? लात मार के आई हूँ। किसकी बात समझाया, हाथ पांव ना चलाया करो। वो मेला मेरे रिश्ते के लिए। अम्मी, वो गलियों में बाइकें घुमाता रहता है और मैंने उसको एक दफा गली में सिगरेट पीते हुए देखा था, कोने में छुप के। अच्छा चलो चले वापस। क्या हो गया रूमी? रूमी, अम्मी वो निकम्मे के लिए मेरा रिश्ता मांगने रहते हैं, मैं जरा तबीयत तो साफ करके हूँ ना। रुको, तुम क्या कर रही हो? लिपस्टिक का निशान ढूंढ रही हूँ। क्या? दो कप पड़े हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे कोई आया था या आई थी जिसके लिए अब्बू ने चाय बनाई है, और अगर अम्मी इस पे हल्का सा भी लिपस्टिक का निशान मिल गया ना, इसका मतलब है आपका टाइम आ गया सामान पैक करके इस घर से जाने का। किसको मौत आ गई सुबह सुबह? मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं? मैं समन, हमजा की मदर। जी जी आंटी, कैसी हैं आप? कह देंगे झूठ। अब क्या हो गया? कह देंगे झूठे, कह देंगे चॉकलेट नहीं पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल है ना? अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये चॉकलेट है या पाइनएप्पल? यार मुझे तो दिखाई दे रहा है ना। अब सर पकड़ कर क्यों खड़ी हो? ठंड हो गया भानी, समझती नहीं है। क्या हौल फौल बोलती रहती हो रूमी, मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की बातें। मुंह दिखाई तो ली नहीं। चलो आजा, शाबाश, तुम्हारे भी इतने अरमान होंगे ना मुंह दिखाई के, मुंह उठाने के। कुछ स्पीच स्पीच तैयार किया तुमने? चलो आजा, रेडी? हाँ चल। पहले घूंघट उठाते हैं, फिर मुंह दिखाई देते हैं। हाँ, फिर से करेंगे। चलें, रेडी? मुंह दिखाई। हेलो इंद्रा, इंद्रा बिल्ली मारे? क्या? वो कहते हैं ना, शुरू से ही ऊपर से आओ तो दबके रहती है। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ट्राई भी मत करना। हाँ चलो बना बना बनाओ, चलो। हाँ
चलो शुक्र है फाइनली किसी को तो मेरा ख्याल आया कि मेरा भी दिल का हाल पूछ ले। सबको बस अपने नए दामाद हमजा की लगी हुई है, सब उसकी खिदमत में मसरूफ है। हुआ क्या है रूमी, हमजा ने कुछ? हाँ हमजा ने। मैं तुम बताती हूँ, देखो एक सेकंड। सुबह ना, सुबह मतलब सुबह के 10 बजे को, ठीक है ना, मैंने ना इतना सा पर्दा खोला, हाँ इतना सा, उसके मुंह पे हल्की सी रोशनी पड़ गई एकदम से। नहीं पर्दा नहीं खोलना। क्या यार, पर्दा ही खोला, मेरी तो जान ही निकल गई कि पर्दे के पीछे क्या है, जिन है, क्या है, कौन है, कोई कहता है इसे? नहीं, तुम साफ साफ बोलो ना, तुम हुआ क्या है? साफ साफ बोल रही हूँ, यही तो हुआ है, ये हुआ है। देखो ये ना मेरी जिंदगी का पहला हनीमून है, मैं तो घंटे के हिसाब से कपड़े चेंज करूंगी, नई जगह नए कपड़े, ही ना। अब घंटों के हिसाब तुम खुद लगा लो। हाँ सॉरी, नहीं अभी तक जेटलैग का नाम सुना? हाँ सुना है, लेकिन जेटलैग तो बहुत लॉन्ग फ्लाइट के बाद नहीं होता। तुम तो भी हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे जेटलैग हो रहा है, मैं तो तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें पता भी है कि नहीं, और तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो जाओ। साढ़े 11 हो गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा जेट लैग उतर जा। सुनो, हम यहाँ पे सोने नहीं आए हैं। अच्छा, अगर यही करना था तो हम घर पे रहते, हमारे घर का कमरा ज्यादा बड़ा भी और अच्छा भी। हाँ लेकिन मैं सोते हुए कॉफी नहीं पीता ना। टॉन्ट कर रहे हो मुझे, पछताओगे, बता रही हूँ मैं। अच्छा मैं तैयार होके आ रही हूँ, उठो तुम भी, उठो बस, मुझे लेके जाओ बाहर, टाइम पे लेने आ जाना। अच्छा ओके ओके, पक्का 100% लेट नहीं होना। हाँ हेलो, एक सेकंड, क्या मसला है? जी भर गया देखने से या घर लेके जाना है? एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज मी, अभी कोई और लड़का तुम ऐसे देख रहा होता तो अंदर की फैमिली से जान लगती तुम्हारी, अभी ताड़ी हो तुम, मेश मेश होते करो। क्या बकवास है, क्या बकवास है, तुम क्या होती, कोई भी कुछ ही बोलने वाली है। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या बकवास है, क्या हुआ, क्या बकवास है, क्या बकवास है, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, सारे भीड़ जमा जाए बस। ओ हो ए जस्ट गो, अभी हाथ से तुम ही मसल टचिंग यू, कम ऑन, व्हाट, रिलैक्स, तुम दिख नजर लग जाती तो नजर उतारने के लिए हो ना तुम, मैं भी कहूं कि यार लड़का इतना फिट कैसे है, मतलब एब्स एब्स डोले शोले हैं, हैंडसम, हाँ स्टड, सही कह रहे हो, तुम भी तारीफ कर सकते हो मेरी। ना करो कंजूस।
शहर का सबसे बेस्ट साइकाइट्रिस्ट कौन है? अपॉइंटमेंट लेनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शायद तुम्हें है। मैं समझाती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि तुम एक नहीं दो हमजा हो, अलग अलग। मुझे ना लगता है कि तुम्हें डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। देखो, जब तुम मेरे घर पे जाते हो ना, सदीकी साहब के साथ बैठते हो, तब तुम बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, हंसी मजाक, चिल्ड आउट, ये वो ब्ला ब्ला, सब ठीक होता है। लेकिन जब तुम अपने घर पे होते हो तो तुम हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराते तक नहीं हो और बिल्कुल अजीब ऑफ बैठे रहते हो। तो या तो वो हमजा गलत है, या मैं गलत हूँ। मतलब पता तो करे ना इंसान के, मतलब क्या क्या है। मतलब यार, शो ऑफ करना तो बनता है ना। अब इतना हैंडसम शौहर है मेरा, हाँ, सारी टीचर्स देखकर जल के राख हो जाएंगी कि अल्लाह ये हमें क्यों नहीं मिल गया, और सारे मेल टीचर्स एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएंगे। अब तो मुझे बताओ, अगर ऐसे में मैं ड्राइवर के साथ चली जाती तो सारा मकसद फौत नहीं हो जाता है? डेफिनेटली फौत हो जाता मकसद। नहीं तो मैं कह रही हूँ। अच्छा बताओ, रास्ता क्या है? क्या रास्ता? एक सेकेंड, आप उस जगह का रास्ता भूल गए जहाँ पे मुझे पहली दफा देखते ही आप अपना दिल हार बैठे थे। मॉन्टेसरी का रास्ता तो आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए ना? हाँ, याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या है, मेरी याददाश्त रास्तों के मामले में थोड़ी कमजोर है, भूल जाता। अच्छा, अपना रास्ता अपनी याददाश्त में अच्छी तरीके से बिठा, भूलने की गुंजाइश नहीं है। I can tell. आगे से राइट लीजिए। हेलो। हेलो। अच्छा, अब मुझे तुम फोन करो और मुझे बताओ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, ठीक है? ओके, बाय। I miss you. क्या? फिर से बोलो। I said I miss you. Hi, I miss you too. चलो अब तंग नहीं करो, मुझे बहुत काम है, ठीक है? Okay, bye. यार मतलब देखो, तुम जब रोज उठ के सुबह तैयार होगे तो मुझे भी तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। फिर जब महीने के एंड पे तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ मिला के रखोगे तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना, समझ रहे हो? नहीं, टेंशन मत लो, अपनी पॉकेट में ही निकाल के बाकी सारी वापस दे दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? है? पहला दिन तो ऑफिस का। इतना थक गया मैं, बार बार फोन को देख रहा था। अब फोन करोगी तब फोन करोगी, फोन ही नहीं किया। मीटिंग्स के दौरान भी देखा था मैंने फोन को, मतलब तुमने एक भी फोन नहीं किया। सड़कों पे घूमता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। उसको जब रुक से मिलना पा गया तो खराब है।
खाना रखा हुआ है। रजा को कॉल लगा दे। रजा से? रजा रोज देता है खाना मुझे। पहला दिन काम पे गया हूँ। चुप। बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना। मैंने इतने घंटे लगा के मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया गर्मी में किचन में। चार डिशेस, चार मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी मैंने, और एक स्वीट डिश भी अलग थी। तुम मुझे इधर देखो, तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मैं बात कर रही हूँ ना। दे रहा हूँ ना। क्या बता रहा हूँ? ये क्या है? मार लो, फट जाएगा सर। क्या लो? नहीं छोड़ो यार, थोड़ा लड़ने का मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई नेकी जरूर की होगी जिसका अजर मुझे अब मिल रहा है। कैसा अजर? ऐसा अजर। सोच लो, गुनाहों की सजा भी हो सकती है। नहीं हो सकती, इतनी हसीन थोड़ी होती है सजा। और अगर होती भी है तो कम से कम फिर उम्र भर तो चलनी चाहिए। अच्छा, कहीं थक तो नहीं जाओगे? मना ही क्यों, तुम जब साथ होती हो मैं थकता नहीं हूँ। क्या हो गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? सिर्फ नहीं आना चाहिए। नहीं इतना ओके, जाता हूँ। समझ गई कि इतना प्यार क्यों आ रहा है आज। क्या समझ गए? शॉपिंग ज्यादा कर ली ना मैंने, खर्चा करा दिया ज्यादा। बस प्रॉमिस, अब मैं कोई खर्चा नहीं कराऊंगी भाई, खुद कमाती हूँ, क्या हो गया, खुद ले सकती हूँ मैं अपने लिए चीजें। नहीं यार, तुम एक आवाज तो देते मुझे, अकेले भिड़ पड़े। सुनो, अब तुम सोलो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 50-50 समझे? और अगर ऐसा है तो आवाज देने की क्या जरूरत थी, खुद आ जाती? वैसे कैसे खुद आ जाती भाई, किसी की लड़ाई में घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना, फिर तुम मुझसे लड़ते आके। वैसे यार तुम अगर मुझे आवाज दे देते ना, एक दफा रूमी कहकर पुकार लेते ना, ऐसा स्लो मोशन में आना था। मैंने तुम्हारी सोच है, उसकी खुशकिस्मती है कि मैं नहीं आई, वरना अपने पैरों पे वापस ही जाना था उसने। हो गया, थी। हाँ पता है मुझे, वो ना मैंने उतार के स्टोर में रखवा दी। अब मैं वजह जान सकता हूँ? वजह साफ है, अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं है, हम दोनों का। पहला वजह चौधराहट मचाई हुई थी। अगर हम दोनों का है तो कोई ऐसी पिक्चर लगा थी ना जिसमें हम दोनों थे। ऐसे कैसे हिसाब तो पूरा करना है ना। हा? अब तुम्हें भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ है रोज सुबह के तुम्हारी शक्ल देख के। तुम भी रोज सुबह उठो, मेरी इतनी बड़ी तस्वीर देखो। हाँ फिर मैं सोचूंगी कि हमारी तस्वीर लगानी है या ये ठीक है। कि मैं इसको क्यों देखूंगा? मैं तो तुम्हें देखूंगा ना। बहुत क्यूट बातें करता हूँ मैं, बहुत क्यूट। चलो जाओ, चेंज कर लो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।